नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी और लोजपा की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। तेजस्वी यादव के सिपाही खुले तौर पर एलजेपी का सपोर्ट कर रहे थे और ये कह भी रहे थे कि रीना पासवान को राज्यसभा भेजना नीतीश कुमार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम इसमें पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को धोखा दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से किसी और नाम की चर्चा हो रही है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि अब आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा उपचुनाव के लिए श्याम रजक का नाम सामने लाया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव, जब वो पहले कह रहे थे कि चिराग पासवान की मां को वो सपोर्ट करेंगे, तो अब कह रहे हैं कि दलित नेता को जगह दी जाएगी। ऐसे में ये सवाल है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान को धोखा दे रहे हैं। राज्यसभा की एक सीट के हजार किस्से बन चुके हैं। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सुशील कुमार मोदी तो तय हो चुके हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अब भी संशय बरकरार है। सदन में सत्ताधारी एनडीए से कुछ ही सीट पीछे खड़ी महागठबंधन ने विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव की तरह ही राज्यसभा के इस सीट के लिए हो रहे चुनाव पर भी अपनी ताल ठोक दी है। सरकार बनाते बनाते रह गए महागठबंधन ने पहले ही तय कर लिया था कि वो एक मजबूत विपक्ष की तरह नीतीश सरकार को हलकान करने में कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी और राज्यसभा की एक सीट पर उम्मीदवार उतारने के उसके इस ऐलान से ये बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। महागठबंधन ने जबरदस्त राजनीतिक चाल चलते हुए लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मां रीना पासवान को महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव दिया था। लोजपा को दिए गए प्रस्ताव के जरिए महागठबंधन ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। सबसे पहले उसने बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़े लोजपा को महागठबंधन के साथ आने का प्रस्ताव दे डाला, तो दूसरी तरफ इस पेशकश के जरिए बीजेपी पर रामविलास पासवान के परिवार की अनदेखी का भी आरोप मढ़ दिया। वहीं इसी बहाने उसने दलित समाज के प्रति अपनी सहानुभूति भी जता दी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि यदि रीना पासवान चुनाव मैदान में आती हैं, तो आरजेडी बिना शर्त उसका समर्थन करेगी। ये सीट लोजपा की है। महागठबंधन के इस चाल को बखूबी समझते हुए एलजेपी ने राजद की तरफ से मिले इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन में जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह यह है कि लोजपा महागठबंधन की हर चाल को बखूबी समझ रही है। लोजपा ये नहीं चाहती कि उनका इस्तेमाल भाजपा के खिलाफ किया जाए। इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान का देर से सही एनडीए में ही अपना भविष्य सुरक्षित दिख रहा है और महागठबंधन की इस चाल का हिस्सा बन वो केंद्र में अपने भविष्य को खत्म नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव का अंकगणित भी कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में ही है। ऐसे में एलजेपी किसी अनिश्चित लाभ के लिए भाजपा से दोस्ती नहीं खोना चाहती। और इधर उपेंद्र कुशवाहा लवकुश समीकरण बनाने में तुले हुए हैं। बीते दिनों बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार पर निजी हमला किया, तो एनडीए से अलग होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की निंदा की, उससे ये साफ होता है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आने वाले हैं। तो इन सभी सिनेरियो पर गौर करें तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि लोजपा चीफ चिराग पासवान को जो आरजेडी पहले प्रस्ताव दे रही थी, वही आरजेडी अब पीछे हट गई है। आरजेडी की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से किसी अन्य दलित नेता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।